हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं मिसेस अनु रॉय कंपटीशन कम्युनिटी के FTR प्रोग्राम के हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, सी सेट में दो भाषाएं हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो है वो रखी गई है, और इसी हिंदी भाषा के दो वीडियोस में मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कितनी तरह के प्रश्न घुमावदार तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे उसके डाउट्स को क्लियर करने होंगे और कैसे उसके प्रश्न को समझकर उत्तर लिखना है, ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। प्रश्न का दायरा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वीडियो का समय भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। बोझिल मन से ना देखें, क्योंकि जिस तरह की कट ऑफ जा रहे हैं, मुझे हमेशा से ये महसूस होता है कि लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है जो आपके अंक को आपको बढ़ाकर देने में मदद करेगा। इसलिए बोझिल मन से ना देखते हुए किस तरह की चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, उन चीज़ों को लेकर आप चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी भाषा के पार्ट 1 के पोर्शन में, जहां पर सबसे पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है। सबसे पहला प्रश्न कहता है, भारत में किस भाषा परिवार का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा परिवार क्या होते हैं? जब किसी भाषा का जन्म एक मूल भाषा से हो तो उसे भाषा परिवार कहा जाता है। पूरे विश्व में बोलियां और उपबोलियों को मिलाकर लगभग 7000 प्रकार की भाषाएं हैं, जिसे प्रमाणित तौर पर 2796 या राउंड फिगर में हम 3000 टाइप के लैंग्वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्हें 12 भाषा परिवार में बांटा गया है, जिसमें से भारत के अंतर्गत मुख्य तौर पर प्रयोग की जाती है भारोपीय, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है द्रविड़, और मध्य भारत के कुछ हिस्से में प्रयोग की जाती है आग्रेय। लेकिन प्रश्न का पूछना यह है कि किस भाषा परिवार का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका सूडानी, जिसका प्रयोग भाषा परिवार के तौर पर भारत में नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 2, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, तरीका, कायदा, किसी भी ध्वनि के सुनाई देने वाले वर्ण को एक रूप देना, यानी किसी भी भाषा के ध्वनि संकेतों को आड़ा, तिरछा, वक्र आकार देखकर निश्चित रूप से यदि उसके सांकेतिक चिन्ह बनाए जाए तो वह प्रक्रिया लिपि कहलाती है। तो यहाँ प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गुप्त लिपि, ऑप्शन नंबर बी है शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी नागरी, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी नागरी। भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है ब्राह्मी को। इस ब्राह्मी के बाद इसका एक स्वरूप आया जो थी ब्राह्मी के बाद में हमारे लिए गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद इसका एक वियोग हुआ, जिसे हमने नाम दिया, पढ़ा, सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि से यह 8वीं और 9वीं सदी में कुटिल लिपि में विभक्त हुई। जब यह 8वीं 9वीं सदी में कुटिल लिपि में विभक्त हुई तो इसकी दो शाखाएं हो गई। एक बनी शारदा लिपि की शाखा गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, सिरमौरी आदि के लिए, और दूसरी बनी हमारे लिए नागरी लिपि की शाखा। इस नागरी की दो धारा प्रवाहित हुई, भारत के पश्चिम की तरफ हुई पश्चिमी नागरी, ठीक है, और पूर्व की तरफ हुई पूर्वी नागरी। इस पूर्वी नागरी में उड़िया, असमिया, बांग्ला आए, तो पश्चिमी नागरी में हमारे लिए राजस्थानी, गुजराती, कैथी, महाजनी और देवनागरी आए। तो उत्तर क्या बना? देवनागरी लिपि का जन्म ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी नागरी से हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शौर्य सेनी में आने वाली बोली नहीं है। अब आप कहेंगे कि शौर्य सेनी क्या है? तो शौर्य सेनी में आने वाली बोली नहीं है। जब भारतीय भाषाओं का विकास हुआ तो भारतीय भाषाओं के विकास में सबसे पहले हमारी प्राचीन आर्य भाषा मानी जाती है संस्कृत, जिसके दो रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकाल में एक स्वयं के द्वारा कृत एक ऐसी भाषा का जन्म हुआ जो थी प्राकृत।
प्राकृत का पहला स्वरूप था पाली और दूसरा स्वरूप प्राकृत के साथ अपभ्रंश का माना जाता है। मध्यकाल में अपभ्रंश भाषाएं ऐसी भाषा थी जिसमें लोक भाषाओं का जन्म हुआ था। इसी अपभ्रंश भाषा की शाखाओं में से एक थी हमारे लिए शौरसेनी, जो पश्चिम की तरफ बोली जाती थी। एक पूर्व की ओर थी मागधी। इसी तरह शौरसेनी और मागधी के मध्य थी हमारे लिए अर्ध मागधी, ठीक है, फिर पैशाची, इसके बाद है ब्राचड़, इसके बाद है खस, ठीक है, फिर है महाराष्ट्री और एक है हमारे लिए गुर्जर यानी कि गुजराती, ठीक है। इसके अंतर्गत बोलियों को रखा गया था। तो शौरसेनी जो पश्चिम के अंतर्गत बोली जाती थी, इसी पश्चिमी शौरसेनी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में से कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी मगही और ऑप्शन नंबर डी कौरवी। पश्चिमी शौरसेनी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी ये सभी आती थी, परंतु ये जो ऑप्शन नंबर सी है मगही, यह हमारे लिए मागधी के अंतर्गत आती थी। भोजपुरी, उड़िया, असमिया, ये जो मगही है यह मागधी के अंतर्गत आती थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर थ्री शौरसेनी में आने वाली बोली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मगही शौरसेनी में आने वाली बोली नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मुख से निस्सृत होने वाले उस स्वर का जो कर्णगत हो सके उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी अक्षर, ऑप्शन नंबर सी वर्ण और ऑप्शन नंबर डी है शब्द। सबसे पहली बात कि मुख से निस्सृत होने वाले यानी जब हम किसी भाषा का मौखिक उच्चारण करते हैं जो कानों के माध्यम से सुनाई देता है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या हम उसे अक्षर कहेंगे? नहीं, अक्षर वो सांकेतिक चिन्ह है जिसके माध्यम से ध्वनि के संकेतों को स्थान दिया जाता है। यही अक्षर वर्ण कहलाता है और वर्ण से मिलकर बनते हैं शब्द। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है कि मुख से निकलने वाले उस स्वर का जो कर्णगत हो सके उसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि जो कानों के माध्यम से हमको सुनाई देती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, ये वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं है। हिंदी वर्णमाला यानी कि देवनागरी के वर्णाक्षरों का हिंदी में प्रयोग किया जाना, लेकिन चूंकि संस्कृत के वर्णाक्षरों से हिंदी में आने वाले वर्णमाला की श्रृंखलाओं में इनमें से कौन सा वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए है ल्री, ऑप्शन नंबर बी है क्ष, ऑप्शन नंबर सी है री और ऑप्शन नंबर डी है अम। जब आप हिंदी में देवनागरी वर्णाक्षरों को देखेंगे तो ये पाते हैं कि यहाँ क्षत्रिय का क्ष तो संयुक्त व्यंजन यानी कि कंसोनेंट में आपके ज्वाइंट कंसोनेंट में आता है जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऋषि का ऋ स्वर के श्रेणी में रखा गया है और अंगूर के अम को अयोग वाह कहा जाता। तो इनमें से ऑड वन नंबर क्या है कि हिंदी की वर्णमाला में ऑप्शन नंबर ए है जो ऋ है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि संस्कृत में इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस को लिखने के लिए यानी कि लृट लकार को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अघोष ध्वनि कहते हैं। स्वर और व्यंजन की यदि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन ध्वनियों का कुछ एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुखाकृति, ओष्ठाकृति, स्वरतंत्र के माध्यम से, उच्चारण स्थान के माध्यम से, यहाँ तक कि इसके सारे कैटेगरी जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उन्हीं में स्वर तंत्रिकाओं के माध्यम से व्यंजनों में अघोष ध्वनि का इस्तेमाल पाया जाता है। आखिर ये अघोष ध्वनि क्या होती है? तो अघोष ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है जिसमें वर्णों का संयोग ना हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें स्वरों का संयोग हो, ऑप्शन नंबर सी जिसमें स्वर तंत्र कंपन ना करती हो और ऑप्शन नंबर डी जिसमें स्वर तंत्र कंपन करती हैं। अघोष और सघोष ये दो अलग पक्ष हैं।
जब किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे को घर्षण करती हैं, तो स्पर्श और घर्षण के साथ यदि ध्वनि उच्चारित हो तो वह सघोष कहलाती है। लेकिन जब वर्ण के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे से दूर हो, किसी प्रकार से उसमें घर्षण और कंपन के साथ ध्वनि उच्चारित ना हो तो उसे अघोष ध्वनि कहा जाता है। तो अघोष ध्वनि है जिसमें स्वर तंत्र कंपन ना करती हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और साथ में यदि हम उष्म वर्ण की बात करें तो ये हमारे लिए अघोष ध्वनि के वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? आखिर ये अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर वे वर्ण अक्षर होते हैं जो दो स्वरों की सहायता से बनते हैं। ऑप्शन दिया है श, व, इया, अण, य, व, री और र। ध्यान रखेंगे, अर्धस्वर यानी वे वर्णाक्षर जो स्वर की तरह ही उच्चारण किए जाते हैं उन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वह अर्धस्वर है। क्यों है? क्योंकि जब हम यण स्वर संधि की प्रक्रिया बनाते हैं तो ई और अ को मिलाने से बनता है ई, इसी तरह उ और अ को मिलाने से बनता है उआ। कुल मिलाकर ये दो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिसका निर्माण स्वरों की सहायता से हुआ है, इसलिए इन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, या और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अनुनासिक के व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए, किसी भी वर्ग वर्ण का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण, किसी भी वर्ण वर्ग का तृतीय और किसी भी वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो अनुनासिक के वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनि के उच्चारण में ध्वनि नासिका से प्रभावित होकर उच्चारित होती है उसे अनुनासिक्य वर्ण कहा जाता है, और जिसमें मुख से निकलने वाली वायु की ध्वनि मुख के द्वारा उच्चारित हो, नासिका का प्रभाव ना हो, उसे निर्नुनासिक्य कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अब आप कहेंगे कि वर्ग कहाँ है, तो वर्ग की बात करें तो वर्ग है हमारे पास क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और एक प वर्ग। इसमें क, ख, ग, घ अंग आते हैं, इसी तरह च, छ, ज, झ इया आता है, ट, ठ, ड, ढ, अण, साथ में त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। तो जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसका पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया हमारे लिए पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें नासिका से ध्वनि उच्चारित होती हुई प्रभावित दिखाई पड़ती है, यानी कि अंग, इया, अण, न और म के उच्चारण में हमें दिखाई देता है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक्य होता है और बाकी जो होते हैं वो हमारे लिए निर्नुनासिक्य वर्ण होते हैं। तो अनुनासिक्य व्यंजन है किसी भी वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, मैंने पहले ही बताया कि प्रत्येक वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हर प्रकार से वर्णों को विभाजित किया गया है। प्रश्न कहता है वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी। यदि हम व का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहली बात कि यह हमारे लिए अंतःस्थ व्यंजन है, और अंतःस्थ व्यंजन के इस व का उच्चारण करते समय यह
होठों से टकराता है, इसलिए यह हमारे लिए ओष्ठय बनता है। लेकिन जब यदि आपने ओष्ठय पर निशान लगाया तो एक देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी दिया है दंतोष्ठ। जब आप व का उच्चारण करते हैं तो व के उच्चारण में दांत और होठ भी एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो है ही, साथ में ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए आपका आंसर होगा ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नुक्ता युक्त वर्ण जैसे कि क और ज ध्वनि है, मूल ध्वनि, तत्सम, विशेष ध्वनि या आगत ध्वनि। भारतीय भाषाओं में हमेशा से बाह्य भाषाओं का प्रभाव देखने को मिला है। इस बाह्य भाषाओं में विदेशज भाषाएं अरबी और फारसी के शब्दों को यथावत हमने हिंदी में स्वीकार किया है, जिसकी वजह से वे वर्णाक्षर जो देवनागरी वर्णमाला में बाहर से आए हैं, इसलिए उसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। इसमें एक आगत स्वर होता है जैसे कि ओ, यानी कि ऑफिस, पॉलिसी, रॉकी, ऐसे शब्दों के लिए। उसी तरह यदि हम कहते कशीदा, जायका, फरमान, खुशी, गम कहते हैं तो उर्दू शब्दों के लिए नुक्ता यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के दाहिनी और छोटी सी एक बिंदी वाले वर्ण को नुक्ता वाला वर्ण कहते हैं। और नुक्ता वर्ण जैसे क और ज है, इसे आगत ध्वनि यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। स्वर तथा व्यंजन ध्वनि में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए, इसकी मात्राएं अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्वर प्रमुख वर्ण है, व्यंजन नहीं। ऑप्शन नंबर सी, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्णाक्षर होते हैं, बगैर किसी बाधा या परेशानी के कंठ से ध्वनि के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं। बगैर स्वर के उच्चारण होने वाले हलंत वाले वर्णाक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। ये स्वर सबसे बड़े सहायक होते हैं किसी भी व्यंजन वर्ण को पूरा करने के लिए। इसलिए स्वर तथा व्यंजन ध्वनि में अंतर यह है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से प्रयोग होते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा आंसर यह है कि स्वर तथा ध्वनि व्यंजन में अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर सी, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अम तथा अह को स्वर के साथ गिना जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, ये अनुस्वर तथा अनुनासिक हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन के बाद लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये मूल स्वर हैं। या ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी वर्णमाला में है। स्वरों के डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो 5 लघु स्वर और 5 दीर्घ स्वर से हमारे पास 10 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, परंतु ऋषि केरी को स्वर में श्रेणी देने से वर्तमान समय में 11 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। लेकिन ये जो अंगूर का अम और आहा है, इसे अयोग वाह कहा जाता है क्योंकि ये व्यंजन के बाद प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि व्यंजन क है और इसमें हम अम कहें तो यह व्यंजन के बाद प्रयोग होगा, जैसे कि कम। इसी तरह यदि हम क में अह का प्रयोग करें तब भी यह व्यंजन के बाद लगते हैं। इसलिए अम तथा अह को स्वर के साथ इसलिए गिना जाता है क्योंकि ये व्यंजन के बाद लगते हैं। जैसे कि सारे स्वर में क यदि हम ले तो व्यंजन के बाद लगता है, इसलिए हम यहां पर इसका आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन के बाद लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है। पश्य स्वर यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा का, जीभ का पिछला हिस्सा हरकत करता हो, उसे पश्य स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ई, ऑप्शन नंबर बी है आ, ऑप्शन नंबर सी है इया और ऑप्शन नंबर डी है अ। जब आप ई का उच्चारण करते हैं तो फ्रंट का एरिया जो है वो हरकत करता है, इसलिए उसे फ्रंटल वॉवेल कहा जाता है यानी कि अग्रस्वर। जब आप
अ का उच्चारण करते हैं तो मध्य का मतलब कि हाई वोवेल्स कहते हैं जो मध्य का हिस्सा काम करता है, लेकिन इया चूंकि व्यंजन वर्ण है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर आ की बात करें, ऑप्शन नंबर बी आ, यानी कि जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का पश्च का भाग हरकत करता है, इसलिए निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी आ पश्च स्वर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चारण का सीधा प्रभाव लेखन विधान या वर्तनी पर पड़ता है, क्या आप इस कथन से असहमत हैं, पूर्णतः असहमत हैं, सहमत हैं, कथन का कोई अभिप्राय नहीं। जब आपका प्रोनंसिएशन ही मिस्टेक होगा तो रिटन फॉर्म में भी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी, यानी किसी भी भाषा का शुद्ध रूप उसके उच्चारण में देखने को मिलता है। यदि हमारे भाषा के उच्चारण में शुद्धता है तो लेखन में भी शुद्धता होगी, इसलिए उच्चारण का सीधा प्रभाव लेखन विधान या वर्तनी पर पड़ता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ हम इस कथन से सहमत हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन है, ऑप्शन नंबर ए है क ख, ऑप्शन नंबर बी च छ, ऑप्शन नंबर सी ड ढ, ऑप्शन नंबर डी ख और भ। तो मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है, जब हवा फेफड़ों के द्वारा निकलकर मुख के इंद्रियों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, प्लोजिव कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, स्टॉप कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, या उसे म्यूट कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जिस तरह मैंने वर्ग बताए थे क च ट त प वर्ग, उसी में से ट वर्ग के वर्ण को मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है, रेट्रोफ्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि मूर्धन्य का मतलब है जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है और व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय जब जिह्वा में मुड़ाव उत्पन्न होता है और यह मूर्धा को यानी कि ऊपर के प्लेटियों को छूकर नीचे फटके से आता है तब इसे मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। तो जब आप ऑप्शन नंबर सी ड और ढ का प्रयोग करते हैं तब यह वर्ण मूर्धन्य वर्ण के नाम से पुकारे जाते हैं। तो 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ड और ढ। यहाँ दिए हुए सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब आप इसे पढ़कर देखेंगे तो अंतर्गत, अंतर्गत, अनृतगत और अंतर्गत होगा। अशुद्ध वर्तनी कहती है कि हमारे उच्चारण के अनुसार यहाँ पर त और ग के बीच में आधे र का प्रयोग किया है, यानी कि अंतर्गत कह रहे हैं तो यहाँ पर त और ग से मिलकर ये बना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अंतर्गत, यानी कि त और ग के बीच में आरएफ वर्ण का प्रयोग होना इसके वर्तनी के शुद्धिकरण को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्न वर्णों में उत्क्षिप्त वर्ण की पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर ए अड़, ऑप्शन नंबर बी र, ऑप्शन नंबर सी ढ और ऑप्शन नंबर डी ए और सी। उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय जिह्वा में एक झटका महसूस हो, ऐसा लगे कि मुंह से कुछ फेंका जा रहा हो, तो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य वर्ण का डमरू का ड और ढक्कन के ढ को उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। जब यह शुरू में है जैसे कि डमरू कहता है, जब यह डफली कहता है तब इसके नीचे किसी प्रकार की कोई बिंदी नहीं है, लेकिन यही किसी वर्ण अक्षर के अंत में आता है, ठीक है, या फिर वो मध्य में आता है तो एक छोटी सी बिंदी इसके नीचे आती है और यह उत्क्षिप्त वर्ण बन जाता है। सेम सिचुएशन ढक्कन के ढ में है, जब वह ढोलक कहता है तो कोई बिंदी नहीं, लेकिन यदि वह बढ़ई कहता है तो उसके नीचे एक बिंदी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी ए अड़ा और ऑप्शन नंबर सी अड़ा को, दोनों को उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, य का उच्चारण स्थान बताइए, चूंकि यज्ञ का य है तो अंतःस्थ व्यंजन, लेकिन जब इस अंतःस्थ उष्म और संघर्षी व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर कंठव्य तालव्य दंतव्य मूर्धन्य और ओष्ठ्य में रखा गया तो य के उच्चारण स्थान किस में आ गए, क्या वो कंठव्य है, क्या वो तालव्य है, क्या वो कंठोष्ठ है, या क्या वो दंतोष्ठ है। वचन का व ओष्ठ है और दंतोष्ठ था, लेकिन जब हम ईय कहते हैं
हैं, तो पूरी तरह से जिह्वा जो है वो तालू की तरफ ऊपर उठती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी तालव्य य का उच्चारण स्थान माना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। शब्द संरचना के आधार पर, शब्द संरचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। वर्णाक्षरों के सार्थक समूह को कहा जाता है शब्द, और शब्द के अगर हम आधार बताएं कि किस तरह की संरचना होती है, तो रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं, ठीक है, और अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। यहां पूछा है शब्द संरचना यानी कि बनावट के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ का मतलब होता है ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, मतलब कि वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, आवश्यकता पड़ने पर जिसे दो खंड में बांटा जा सके, लेकिन यदि किसी परंपरा के नियमों से रूढ़ होता है तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है पवित्र, ऑप्शन नंबर बी है कुशल, ऑप्शन नंबर सी है विनिमय और ऑप्शन नंबर डी है जलज। तो यौगिक शब्द का निर्माण किससे होता है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से। यहाँ है ऑप्शन नंबर डी जलज, इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा, क्योंकि जल में ज प्रत्यय लगाने से जलज बना और जलज का उच्चारण करते ही यह सबसे पहले कमल को संबोधित करता है, इसलिए शब्द संरचना के आधार पर इनमें से ऑप्शन नंबर डी जलज योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके अथवा परंपरा से बंधा एवं स्वतंत्र प्रयोग होता हो, कहा जाता है योग रूढ़, यौगिक रूढ़ और तत्सम। अभी मैंने बताया कि स्वतंत्र सत्ता रखने वाले ऐसे शब्द जिसके खंड ना किए जा सके, किसी परंपरा से बंधा स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को ऑप्शन नंबर सी रूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी कि ट्रेडिशनल वर्ड्स कहा जाता है। लेकिन योग रूढ़ यानी कि यौगिक भी है और रूढ़ है, तो योग रूढ़ ट्रेडिशनल कंबाइंड बना, और यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों की प्रक्रिया से मिलकर बने होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यहां प्रश्न पूछा है कि जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना किया जा सके, जैसे कि जल, हम इसका सार्थक खंड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इस्तेमाल के तौर पर देखें तो यदि हम पानी कहते हैं, यदि हम भवन कहते हैं, तो इसके वर्णाक्षरों को अलग कर सकते हैं, पर शब्दों को सार्थक खंड किया नहीं जा सकता। और अगर हम रूढ़ की बात कर रहे हैं तो पानी, जल, भवन, ये रूढ़ शब्द माने जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, देशज शब्द वे शब्द हैं जो, ऑप्शन नंबर ए है गांव में बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो देश में बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय बोलचाल या अज्ञात स्रोत से हिंदी में आए हैं, और ऑप्शन नंबर डी जो देशी है। देशज क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी स्थानीय बोलचाल, प्रांत और लोक भाषाओं के शब्द हैं, जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है और वैसे हम उसे लोक भाषाओं से हिंदी में लेकर आते हैं, तो ऐसे शब्द को लोकल वर्ड्स यानी कि देशज शब्द कहा जाता है। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो स्थानीय बोलचाल या अज्ञात स्रोत से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, किस वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो कहता है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी कहता है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी कहता है देशज और ऑप्शन नंबर डी कहता है विदेशज। तो आखिर ये होते क्या है? रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं, और अकॉर्डिंग टू ओरिजिन कहें या इतिहास, उद्भव, उत्पत्ति कहें, तो संस्कृत रिलेटेड ऑल वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी यानी कि संस्कृत के शब्दों का हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाना बिना किसी परिवर्तन के तत्सम शब्द कहलाता है। हिंदी कन्वर्टेड मतलब जब वो संस्कृत के शब्दों का हिंदी में परिवर्तन कर दिया जाता है, सरल रूप देकर
कर तो संस्कृत वर्ड्स व्हेन संस्कृत वर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हिंदी दैट कॉल तद्भव शब्द। और जैसे अभी मैंने बताया किसी स्थानीय बोलचाल से लिए गए शब्द देशज हैं और बाहर भारत के बाहर से आए हुए शब्दों को विदेशज या फॉरेन वर्ड्स कहा जाता है। तो परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा शब्द है ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द। इसका एक तद्भव रूप बन जाता है परीक्षा से परख। ठीक है, तो संस्कृत के शब्द का हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाना तत्सम कहलाता है। हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाए संस्कृत के शब्दों का तो वो तद्भव बन जाता है। और प्रश्न ने पूछा है परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए वह तत्सम के वर्ग में आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यौगिक शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ऐसा शब्द जिसे आवश्यकता के अनुसार दो भाग में विभक्त किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, यानी कि कंबाइंड वर्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंकज, ऑप्शन नंबर बी है जलज, ऑप्शन नंबर सी है दीन और ऑप्शन नंबर डी है पाठशाला। यौगिक शब्द का निर्माण होता है संधि की प्रक्रिया से, समास की प्रक्रिया से। ठीक है, साथ में हम कुछ प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और कुछ सफिक्स यानी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहां दिया है कि इनमें से यौगिक शब्द की पहचान क्या है। पंकज कहते ही वह योग रूढ़ हो जाता है, जलज कहते भी वह योग रूढ़ हो जाता है, दिन हमारे लिए रूढ़ शब्द है, लेकिन यदि हम देखें तो पाठशाला हम इसे दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, इसलिए यौगिक शब्द यहां से बनती है हमारे लिए पाठशाला, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आए हैं। विदेशी यानी कि फॉरेन वर्ड्स। भारतवर्ष के अंतर्गत अरबी, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, डच, जापानी, ये सारी विदेशज भाषाओं का प्रयोग यूरोपियन भाषाओं के संपर्क में आने से प्राप्त हुए हैं। तो जब भारतीय भाषाओं में बाह्य भाषाओं के प्रभाव के शब्द आए तो उन्हें विदेशी भाषा का शब्द कहा गया। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है। ऑप्शन नंबर ए शादी, ऑप्शन नंबर बी साबुन, ऑप्शन नंबर सी ट्रेन और ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। आपको बता दें शादी अरबी शब्द है, साबुन पुर्तगाली शब्द है, ट्रेन अंग्रेजी शब्द है, लेकिन कबड्डी हमारे लिए देशज शब्द की श्रेणी में आता है, इसलिए ये तीन जो हैं वो विदेशज शब्द हैं और कबड्डी जो है हमारे लिए देशज है, यानी कि इनमें से कबड्डी विदेशज शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अखरोट, ऑप्शन नंबर बी पोथी, ऑप्शन नंबर सी अमीय और ऑप्शन नंबर डी विभावरी। संस्कृत शब्द के शब्दों का हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग किया जाना तत्सम कहलाता है। तत् याने उसी के और सम मतलब समान। ठीक है, तत्सम संस्कृत के शब्दों का हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किया जाना तत्सम शब्द कहलाता है। तो इसमें से देखा जाए तो अखरोट अक्षोट का तद्भव है, पोथी पुस्तक का तद्भव है, अमीय अमृत का तद्भव है, लेकिन विभावरी एक अपने आप में तत्सम शब्द है, यानी कि निम्न शब्दों में से ऑप्शन नंबर डी विभावरी तत्सम शब्द है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांदनी किसका तद्भव शब्द है। When Sanskrit words converted into Hindi, when Sanskrit words changed into Hindi without changing any type of meaning, यानी कि संस्कृत के शब्दों का हिंदी में सरल भाषा में यदि रूपांतर कर दिया जाए तो उन्हें तद भव यानी तद यानी कि उसके बाद और भव मतलब कि हुआ, संस्कृत के बाद हिंदी में रूपांतरित हुए शब्द को तद भव कहेंगे। तो चंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कोई नहीं, तो चांदनी जो है यह
ऑप्शन नंबर सी चंद्रिका का तद्भव है, क्योंकि चंद्र जो है वह चांद हो जाता है तद्भव, और चंद्रमा अपने आप में तद्भव शब्द है, इसलिए चांदनी किसका तद्भव शब्द है कहें तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रिका चांदनी का तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कथन सही नहीं है? जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है क्या वो देशज है? संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया गया शब्द तत्सम है? संस्कृत का किंचित परिवर्तित रूप तद्भव है? और ऑप्शन नंबर डी देश में बोले जाने वाली देशी है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, स्थानीय बोलचाल के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसमें लोक भाषाओं का प्रभाव होता है, उन्हें देशज कहा जाता है। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाना तत्सम कहलाता है, और उसका एक किंचित परिवर्तित हिंदी रूपांतर तद्भव कहलाता है, इसलिए यह तीनों जो है वो सही है। लेकिन यह जो कथन है कि देश में बोले जाने वाली शब्द को देशी कहा जाएगा, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मटर गश्ती शब्द की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वैसा प्रश्न पूछा जाए। यहाँ दिया है मटर गश्ती शब्द, ठीक है, मटर गश्ती शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देशज, ऑप्शन नंबर बी तत्सम, ऑप्शन नंबर सी विदेशज, और ऑप्शन नंबर डी तद्भव। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, मटर गश्ती शब्द देशज नहीं है, न ही यह तत्सम है और न ही यह तद्भव है। मटर गश्ती शब्द है जो आपका पश्तो शब्द है, जो विदेशज की श्रेणी में आता है, इसलिए मटर गश्ती शब्द जो है वो विदेशज की श्रेणी में आने वाला शब्द है। जिस तरह मटर गश्ती शब्द से पूछा गया था कि वो क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज, अब देखिए इसी से प्रश्न कैसे घुमाया है कि कारतूस शब्द की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर विदेशज शब्द का ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पश्तो, और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो कारतूस शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी के अंतर्गत आता है। इसको याद करने का एक तरीका है, आप एक शब्द को लेते हुए उसे एक वाक्य बनाइए, जैसे खुदा ने मुझे नवाजा है, अगर हम कहें तो सब हमारे लिए अरबी शब्द हो जाएंगे। ऐसे ही कंपैरिजन कीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में विवाह होता है, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संबंध विच्छेद होते हैं, लेकिन यदि हम उर्दू शब्द की बात करें तो उनके यहाँ शादी होती है और उनके द्वारा तलाक दिया जाता है। इस तरह कंपैरिजन करते हुए यदि आप देशज विदेशज की पहचान करेंगे तब आपको उसे समझने में बड़ी आसानी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है संकर शब्द का अर्थ है। अब आप कहेंगे कि संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द हाइब्रिड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दो भाषागत शब्दों को लेकर यदि हम उसे एक शब्द का रूप दे दें तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो दो भिन्न भाषागत शब्द में तत्सम तद्भव भी हो सकते हैं, देशज विदेशज भी हो सकते हैं। तो संकर शब्द होता है तत्सम नहीं, तद्भव नहीं, विदेशी नहीं, बल्कि दो भाषा शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द को संकर कहते हैं। जैसे कि डबल रोटी कहा, ठीक है, अब डबल अंग्रेजी शब्द है और रोटी देशज शब्द है। इसी प्रकार यदि हम बीमा पॉलिसी कहते हैं तो बीमा जो है वो उर्दू का शब्द है और पॉलिसी जो है वो अंग्रेजी है। तो संकर शब्द यानी कि हाइब्रिड वर्ड्स, जो दो अन्य भाषागत शब्द से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डबल रोटी शब्द है। अभी मैंने बताया आपको डबल रोटी शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या यह विदेशज है, ऑप्शन नंबर बी क्या यह देशज है, ऑप्शन नंबर सी क्या यह संकर है, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं।
तो मैंने क्या बताया कि विदेशज वे शब्द होते हैं जो भारतीय भाषाओं में अन्य भाषाओं से आए हुए हैं। इसे हम आगत शब्द भी कहते हैं या विदेशज कहते हैं, यानी कि फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, देशज स्थानीय बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है। लेकिन संकर का मतलब होता है मिलावट करना या बनाना। तो दो भिन्न भाषागत शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। और डबल जो है वो अंग्रेजी का शब्द और रोटी जो है वो हमारे लिए देशज शब्द है, यानी कि दो भिन्न भाषा से बनने वाला शब्द डबल रोटी संकर शब्द की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये कहता है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्याय का मतलब होता है विकल्प। पर्याय का मतलब होता है विकल्प, एक ऐसा शब्द जिसके पास विकल्प के तौर पर बहुत सारे नाम तो हो परंतु सारे नाम किसी एक अर्थ को प्रस्तुत करे, तो इसे सिनोनिम्स भी कहा जाता है या इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न ने पूछा है कि दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दाढ़ी, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी दशन और ऑप्शन नंबर डी रदन। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द की एक ऐसा शब्द जिसके की अर्थ एक हो परंतु विकल्प के तौर पर बहुत सारे नाम हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो दाढ़ीम की यदि हम बात करें तो ये पॉमीग्रेनेट यानी अनार को कहा जाता है, जबकि दंत, दशन और रदन सभी दांत के पर्यायवाची शब्द माने जाते। तो इसका आंसर है दाढ़ीम, ऑप्शन नंबर ए, जो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है मीत किसका पर्यायवाची शब्द है? मीत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए सखा, ऑप्शन नंबर बी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी मित्र और ऑप्शन नंबर डी सभी। ध्यान रखेंगे प्रश्न में चार ऑप्शन हैं और कोशिश करें कि चारों ऑप्शन को आप कंटिन्यू पढ़ें, क्योंकि देखते ही यदि सबसे पहले आपने सखा पर निशान लगा दिया तो ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और सी भी इसी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मित्र का तद्भव रूप है मीत, और मित्र, मीत, सखा, दोस्त सभी पर्यायवाची हैं हमारे लिए दोस्त के या मित्र के। इसलिए मीत किसका पर्यायवाची शब्द है कहता है, तो ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी मीत सभी का पर्यायवाची शब्द है। अब इसी पर्यायवाची से एक अलग तरह का प्रश्न पूछा गया है कि भिन्न पर्याय वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहां पर चार ऑप्शन हैं विहग, पक्षी, खग और काग। ठीक है, भिन्न पर्याय मतलब कि यहां जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक है जो ऑड वन होगा, जैसे कि विहग, पक्षी, खग यदि कहें तो सभी पंछी, पखेरू, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यदि हम ऑप्शन नंबर डी काग कहें तो यह कौवा का पर्यायवाची है। तो तीन एक ही हैं जो पक्षी के पर्यायवाची हैं, लेकिन काग जो है वो इनमें से भिन्न पर्याय वाला शब्द है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कितनी तरह से आपको घुमावदार प्रश्न को पूछ लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है लुभावना का विलोम शब्द बताइए। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, गुण, स्वभाव, प्रकृति, नियम के। एक ऐसे शब्द जो अपने नाम के ठीक उल्टा हो, विरुद्ध हो, विलोम हो, उसे विलोम शब्द कहा जाता है, जिसे हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। तो लुभावना, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यह जो विलोम शब्द होते हैं इसके उच्चारण के आधार पर बोल चाल के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, शब्दों के खेल में इसके विलोम वैसे ही निर्धारित किए जाएंगे। यदि यहाँ पूछे जाने वाला प्रश्न साधारण बोल चाल का है जैसे आना तो जाना, लेकिन यदि वह संस्कृत संबंधी है, विज्ञान संबंधी है, तो उसके जवाब भी आपको वैसे ही देने होंगे। तो लुभावना का विलोम शब्द बताइए, तो घिनौना, घटिया, मोहक या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं।
लुभावना यानी कि हमको लुभाने वाला, इसलिए जो हमें लुभाता है वो लुभावना है। लेकिन हमारे मन में जो एक लुभावना प्रस्तुत ना करके बल्कि हमारे लिए वह एक विस्मृत कर देने वाला और घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला हो, तो उसे हम इस लुभावना का एक विलोम शब्द मानेंगे। और जिसमें ऑप्शन नंबर ए लुभावना का विलोम शब्द घिनौना होगा, क्योंकि घटिया और मोहक जो है वो कभी भी लुभावने के विलोम शब्द में गिने नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न इसी विलोम शब्द से दिया है, हाजिर का विलोम बनाने हेतु प्रयुक्त उपसर्ग होगा। तो ध्यान रखिएगा कि गुण स्वभाव प्रकृति ढंग कायदे में ऐसे शब्द जो अपने नाम के ठीक विपरीत हो उसे विरुद्धार्थी विलोम या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जो स्वतंत्र भी होते हैं, लिंग के आधार पर भी विलोम होते हैं। कभी कभी हम स्त्री प्रत्यय लगाकर उसे पुरलिंग से स्त्रीलिंग में बदलकर विलोम शब्द बनाते हैं, और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नेगेटिव प्रीफिक्स को यूज करके यानी कि नकारात्मक उपसर्ग से भी विलोम शब्द का निर्माण किया जा सकता है। तो यहां दिया है हाजिर शब्द का विलोम बनाने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए है अ, ऑप्शन नंबर बी है ब, ऑप्शन नंबर सी है गैर और ऑप्शन नंबर डी है ना। देखा जाए तो अहाजिर तो कोई शब्द नहीं है, ब हाजिर भी नहीं है, ना हाजिर भी नहीं है, इसलिए उर्दू का एक नकारात्मक उपसर्ग गैर, ठीक है। तो हाजिर का नकारात्मक शब्द बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी गैर का प्रयोग उपसर्ग के तौर पर किया जाए, और यदि वो हाजिर है और अगर हम इसमें गैर लगा दें तो इससे वो शब्द जो है वो एक नकारात्मक शब्द गैर हाजिर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। समोच्चारित शब्द क्या होते हैं? समोच्चारित शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण की गलती से एक समान उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे समोच्चारित कहा जाता है। एक समान सुनाई देते हैं इसलिए समश्रुत कहलाता है, और इसी तरह जब हम उसके अर्थ को जानते हैं तो उच्चारण और लेखन की गलती से वर्तनी के प्रभाव से अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसलिए इसे भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। हम इसे प्रोनेम्स भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम सिमिलर वर्ड विद डिस्टिंगाइज्ड मीनिंग भी के नाम से पुकारा जाएगा, यानी कि सम उच्चारित शब्द एक समान उच्चारित होने वाला। इसमें ऑप्शन दिया है आरती और आरती, ठीक है। उच्चारण की गलती देखिए, यदि आपने इसे आरती आरती पढ़ा तो कोई अंतर नजर नहीं आता, लेकिन जहां छोटी ई की मात्रा लगी है आरती और बड़ी ई की मात्रा लगी है आरती, तो इसका अर्थ दिया है ऑप्शन नंबर ए दुख पूजन, ऑप्शन नंबर बी पूजन दुख, ऑप्शन नंबर सी दुख नाम, और ऑप्शन नंबर डी है नाम और पूजन। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि जहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है आरती, उसका अर्थ है दुख और इस आरती का अर्थ है पूजन। अब यदि यही ऑप्शन नंबर बी में आंसर लगा दिया, तब आपने जो दुख है उसको पूजन बना दिया और जो आरती है उसको आपने दुख बना दिया, तो थोड़ी सी गलती से ही यहाँ आपके शब्द के अर्थ जो है वो भिन्न हो जाते हैं। तो समोच्चारित शब्द को समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक भी कहा जाता है, और इसे प्रोनेम्स के भी नाम से पुकारा जाता है कि एक ऐसे शब्द जिसका कि उच्चारण एक समान हो परंतु अर्थ और मात्रा और वर्तनी के आधार पर भिन्न अर्थ देने वाले हों, उन्हें समोच्चारित शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स। उप का मतलब होता है करीब का, पास का, नजदीक का, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, एक विकार या एक रूपांतर पैदा करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहां दिया है प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर ए है प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक, ऑप्शन नंबर सी है प्रचार, और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों।
तो देखा जाए तो यदि हम इसको अलग करने की कोशिश करें तो यण स्वर संधि के अनुसार प्रतिधन उत्तर से निर्मित है हमारे लिए प्रत्युत्तर, ठीक है। दूसरा, जब हम यण स्वर संधि में प्रतिधन एक को मिलाते हैं तब बन जाता है हमारे लिए प्रत्येक, लेकिन जब हम प्रचार की बात करेंगे तो प्र उपसर्ग जब चार शब्द से जुड़ा है तब हमारे लिए प्रचार का निर्माण हुआ, इसलिए प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 39, भिन्न उपसर्ग वाले शब्द का चयन कीजिए कहता है। भिन्न उपसर्ग वाले शब्द का चयन कीजिए कहता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अभ्युदय, ऑप्शन नंबर बी है अभ्यागत, ऑप्शन नंबर सी है अभिसार और ऑप्शन नंबर डी है आभरण, ठीक है। देखा जाए फिर से एक बार यहाँ यण स्वर संधि की प्रक्रिया उत्पन्न हुई है कि जब अभी धन उदय कहा तो बन गया अभ्युदय, इसी तरह जब अभी धन आगत कहा तो बन गया अभ्यागत, और अभी में यदि हम मान लगा दें या सार लगा दें तो बन गया अभिसार, लेकिन आभरण कहते हैं तो यहाँ आ उपसर्ग है भरण धातु शब्द के साथ में, इसलिए तीन में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है लेकिन आभरण में उपसर्ग आ का प्रयोग किया है, तो इन सभी में भिन्न उपसर्ग वाला शब्द है ऑप्शन नंबर डी आभरण। और इस तरह प्रश्नों को समझने की आप कोशिश करेंगे कि कहीं से भी प्रश्न कुछ भी घुमाकर आपको पूछता है, लेकिन चारों ऑप्शन को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वन आपका आता है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व यानी कि पहले लगा दिए जाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। अब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है दूर, ऑप्शन नंबर बी है अति, ऑप्शन नंबर सी है नीर और ऑप्शन नंबर डी है सद। जब हम आचार शब्द के पहले, जब आचार शब्द के पहले दूर को लगाएंगे तब यह हमारे लिए दुराचार यानी कि बुरा आचरण बन जाएगा, जब हम नीर को लगाएंगे तो निराचार यह भी हमारे लिए बुरा आचरण बन जाएगा, और सद को लगाएंगे तो हमारे लिए सदाचार यानी कि अच्छा आचरण हो जाएगा। लेकिन जब आप इस अति को इस आचार में लगाते हैं, अति धन आचार, तो ये पाते हैं कि फिर से यण स्वर संधि की प्रक्रिया के अनुसार अति आचार से अत्याचार होता है, और अत्याचार का मतलब ही जुल्म होता है। इसलिए प्रश्न 40 में पूछा गया कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है अति, जिसका प्रयोग करने से अत्याचार जैसा शब्द का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? किसी भी धातु शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में एक नयापन, एक विकार या एक रूपांतर उत्पन्न करने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, जिसे हम सफिक्स के नाम से जानते हैं। जो धातु शब्द के पहले जुड़ा वो प्रीफिक्स था, लेकिन धातु शब्द के अंत में जुड़ा तो वो सफिक्स कहलाता है। इस कृदंत प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है कृत या होता है कृदंत प्रत्यय, ठीक है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। मुख्य तौर पर दो ही प्रत्यय माने जाते हैं। किसी भी क्रिया के मूल धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत या कृदंत यानी कि प्राइमरी सफिक्स कहा जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर उस शब्द में नयापन लाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। लेकिन जब कभी किसी पुरलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जाएगा तो उसे स्त्री प्रत्यय के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न ने यह पूछा है कि निम्नांकित में कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है, तो प्राइमरी सफिक्स जिसे हम कृत या कृदंत कहते हैं, तो किसी भी क्रिया के मूल धातु में। ऑप्शन नंबर ए है रंगीला, ऑप्शन नंबर बी है बिकाऊ, ऑप्शन नंबर सी है दुधारू और ऑप्शन नंबर डी है कृपालु। देखा जाए तो रंग विशेषण का शब्द है,
दूध संज्ञा का शब्द है और कृपा भाववाचक संज्ञा है। इसलिए एक बिकना क्रिया है, बिकना क्रिया है, इस बिक मूल धातु में आऊ प्रत्यय जुड़ा जिससे बना हमारे लिए बिकाऊ। तो ध्यान रखेंगे कि कृषि भी क्रिया के मूल धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, इसलिए निम्नांकित में से ऑप्शन नंबर बी बिकाऊ में कृदंत प्रत्यय यानी कि कृत प्रत्यय यानी कि प्राइमरी सफिक्स का यूज किया गया है। जबकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द में जो प्रत्यय प्रयोग होंगे उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। तो इनमें से आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि प्रत्यय तो आपने केवल दो बताए, तद्धित और कृदंत, एक गौण रूप बताया स्त्री प्रत्यय का, ये समूहवाचक प्रत्यय क्या होते हैं। ये उपसर्ग और ये प्रत्यय दो ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी शब्द में नयापन, बदलाव, विकार या रूपांतर पैदा करते हैं, ठीक है। और इसी श्रेणी में जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो समूह का बोध कराने के लिए कुछ प्रत्यय शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए लोग, ऑप्शन नंबर बी है गण, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग और ऑप्शन नंबर डी है प्रेस। तो जब हम समूहवाचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं का बहुवचन में हम लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, खूब लोग कहते हैं, अध्यापक गण, छात्र गण, शिक्षक गण कहते हैं, इसी तरह पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग, युवा वर्ग कहते हैं। लेकिन प्रेस जो है ये समूहवाचक शब्द नहीं है। तो प्रश्न ने कहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रेस समूहवाचक शब्द नहीं है, बाकी लोग, गण और वर्ग को समूहवाचक शब्द की श्रेणी में रखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सागर, ऑप्शन नंबर बी नगर, ऑप्शन नंबर सी अगर मगर और ऑप्शन नंबर डी है जादूगर। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं, कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग लगा है। तो देखा जाए तो सागर समुद्र का पर्याय है, नगर किसी क्षेत्र विशेष का नाम है, अगर मगर एक देशज शब्द है, लेकिन यदि हम जादूगर कहें तो जादू शब्द में हम उर्दू के गर प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं, जैसे कि बाजीगर कहते हैं, ठीक है, जादूगर कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर डी जादू में गर प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है, बाकी में गर प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है। थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के शब्द के साथ जुड़ते हैं जिससे बनने वाले शब्द नॉमिनेटिव वर्ब यानी कि नाम धातु क्रिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जब किसी भी संज्ञा सर्वनाम के साथ में कोई जुड़ने वाला प्रत्यय होता है तो उसे कहा जाएगा, क्या हम उसे कृदंत प्रत्यय कहेंगे, क्या उसे तद्धित कहा जाएगा, क्या उसे स्त्री प्रत्यय कहा जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम ये ऑप्शन में देखेंगे कि ये जो प्रत्यय हैं इसमें से कृदंत वो प्रत्यय हैं जिसका प्रयोग हम किसी भी क्रिया के मूल धातु में जोड़कर करते हैं। स्त्री प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो किसी भी पुरलिंग शब्द को स्त्रीलिंग बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है और निपात वे शब्द होते हैं जो कहीं भी गिर पड़ते हैं जिसका प्रयोग बात में या वाक्य में बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है
कि संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर है आपके लिए बी। ऑप्शन नंबर बी है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ में जुड़ता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है ऑप्शन नंबर बी तद्धित प्रत्यय। अब है अगला क्वेश्चन, समुद्र में फैलने वाली आग है तो उचित वाक्यांश है। वाक्यांश क्या होते हैं? जब हमारे समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्तियों के पास समय का अभाव होने लगा, तो ऐसे वाक्य जो वृहत लंबे आकार के हुआ करते थे, जो एक छोटे से शब्द के द्वारा समझ लिया जाए, तो उस समय इजाद हुआ वाक्यांशों का एक शब्द का। इसे इंग्लिश में वन वर्ड आंसर कहते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। साथ में इसे हिंदी में स्थापन्न शब्द भी कहा जाता है, या समूह शब्दों का एक शब्द, या अनेक शब्दों का एक शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द की तरह इसकी भी शर्तें होती है। और क्या शर्तें होती है? कि जिस तरह के प्रश्न पूछे जाए जवाब भी वैसे ही दिया जाना चाहिए। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, लेकिन साधारण बोलचाल में साल में एक बार होने वाला कहेंगे तो उसे सालाना के नाम से पुकारा जाएगा। प्रश्न 45, प्रश्न संख्या 45 में पूछा है समुद्र में फैलने वाली आग है तो उचित वाक्यांश है। ऑप्शन नंबर ए दावाग्नि, ऑप्शन नंबर बी समुद्राग्नि, ऑप्शन नंबर डी बड़वा नल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका दहक। तो समुद्र में फैलने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में फैलने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में फैलने वाली आग को समुद्राग्नि कहते हैं? नहीं, यह एक अपभ्रंशित रूप है। लेकिन दहक किसी भी जलते हुए तत्व के एक उसकी गर्मी के प्रभाव को कहा जाता है। लेकिन समुद्र में फैलने वाली आग को ऑप्शन नंबर सी बड़वा नल के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बड़वा नल। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य शुद्ध कब होंगे? जब व्याकरणिक नियम हमारे शुद्ध होंगे। ध्यान से रखेंगे कि व्याकरणिक नियमों की शुद्धता के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उच्चारण की शुद्धता से लेखन की वर्तनी प्रभावित होती है, यानी कि अक्षरशः वर्णाक्षरों को मात्राओं को उचित बल प्रयोग के आधार पर यदि आप उसका उच्चारण करते हैं तो भाषा की शुद्धता वर्तनी में दिखाई देने लगती है। लेकिन व्याकरणिक नियम कि कहाँ कारक रचना का उचित प्रयोग है, लिंग का, वचन का, हर प्रकार के नियमों का उचित प्रयोग किया जाए तो वाक्य शुद्ध होते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह मेरे को मार रहा है, ऑप्शन बी आह वह बीमार है, ऑप्शन नंबर सी बकरियां और गाय चर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी एक लड़का चार लड़कियां और एक बच्चा खेल रहा था। तो पहली बात मैं बता दूं कि संज्ञा शब्द से कारक रचनाएं दूर लिखी जाती हैं, जैसे कि राम ने, ये दूर लिखा जाएगा। लेकिन सर्वनामिक शब्द में कारक रचना सटाकर लिखी जाती है। यदि दो कारक प्रयोग हैं, जैसे कि उसके लिए, तो दो कारक विभक्तियों को दूर लिखा जाएगा, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया सटाकर लिखी जाती है, जाकर, उठकर, बैठकर। और संयुक्त क्रियाओं को देखा जाए, जैसे कि उठ बैठा, तो उसे दूर लिखा जाता है। अगली बार विराम चिन्ह का प्रयोग भी देखने को है। यहाँ देखा जाए तो आह वह बीमार है कहता है, तो यहाँ पर एक विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक का अभाव है। वह मेरे को मार रहा है नहीं, बल्कि वह मुझको मार रहा है। बकरियां और गाय चर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जब किसी वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ता भिन्न भिन्न वचन में भिन्न भिन्न लिंग में आते हैं, तो अंतिम कर्ता जिस वचन और लिंग में है, क्रिया उसी के अनुसार लिखी जाती है, ठीक है। अगली बात कि दो विपरीत लिंग के कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्रिया पुरलिंग बहुवचन में लिखी जाती है, जैसे कि राजा और रानी निवास करते थे,
माँ और पिताजी बाजार गए हैं, दीदी और जीजा जी घर आए हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में अलग अलग प्रकार के कर्ता हैं, जैसे यहाँ पर एक लड़का जो है पुल्लिंग एकवचन है, चार लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन है और अंतिम कर्ता एक बच्चा पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एकवचन होगी। इसलिए निम्न में से शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी कि एक लड़का चार लड़कियां और एक बच्चा खेल रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा को हम इडियम्स कहते हैं। समाज में लोगों के द्वारा जब कुछ अनुभव को, चरम सत्य को या ऐसे अनुभव को साझा करने के लिए लोगों द्वारा कही गई बातों का उल्लेख देखने को मिला तो इसे मुहावरा और लोकोक्ति के नाम से पुकारा जाता है। तो आखिर ये मुहावरा क्या होते हैं? मुहावरा वाक्यांश होता है जो किसी विशेष लाक्षणिक अर्थ को प्रस्तुत करता है। दो, तीन, चार शब्द से बनने के बावजूद बगैर वाक्य के मुहावरा हमेशा अधूरा होता है। इसका अंतिम वर्ण अधिकांश ना से होता है। अधिकांश मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। यदि मुहावरे का प्रयोग करने दिया जाए तो अर्थ को लिखे जाने के बावजूद दिए गए मुहावरे का प्रयोग जो है वहां पर यथावत तौर पर किया जाता है। प्रश्न ने कहा है कि गले का हार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आभूषण होना, ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी मुसीबत होना या ऑप्शन नंबर डी आलिंगन करना। देखा जाए तो गले का हार यदि हम कहें तो यह है ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रिय होना। जो हमें बहुत प्रिय होता है उसे गले का हार कहा जाता है। तो गले का हार मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से मुहावरा नहीं है, निम्न में से मुहावरा नहीं है। सिक्का जमाना, लोहा मानना, अंधों में काना राजा और पत्थर का लकीर होना। यहाँ देखा जाए तो चारों वाक्य के अंत में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि तीन में अंतिम वर्ण ना है और कुछ लोकोक्ति जिसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं वो क्या होते हैं? समाज में लोगों के द्वारा कहे गए कथन को कहावत, लोक उक्त बातों को लोकोक्ति कहा जाता है जो यथार्थ अनुभव और चरम सत्य पर आधारित होते हैं। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए, उसका प्रहसन या मजाक बनाने के लिए उसे एक विशेष तौर पर प्रस्तुत करने वाले कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर तीन जो है आपके मुहावरे हैं परंतु इनमें से एक है जो मुहावरा नहीं है, उसका चयन करना है। सिक्का जमाना, लोहा मानना और पत्थर की लकीर होना, ये तीनों मुहावरे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी अंधों में काना राजा कहें तो यह हमारे लिए मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है। तो 49 का आंसर है अंधों में काना राजा। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। दोहरा लाभ कमाना इस अर्थ है तो उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दोहरा लाभ कमाना ये अर्थ है, ठीक है। इसके लिए इस चार ऑप्शन में से आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से, आम के आम गुठलियों के दाम, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक अनार 100 बीमारियां, चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें से दोहरा लाभ कमाना के अर्थ को प्रस्तुत करने वाले लोकोक्ति का चयन करना है। आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से, इसका कोई तालमेल नहीं होता। ऊंची दुकान फीका पकवान का भी कोई तालमेल नहीं बैठता और एक अनार 100 बीमार से भी तालमेल नहीं बैठता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। आम भी बिक गए, यहाँ तक कि उसकी गुठलियों के दाम भी हमें प्राप्त हुए। और इस तरह मुहावरा और लोकोक्ति से हमारे लिए ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ। इस तरह आज के वीडियो में मैंने आपको वो छोटी छोटी बारीक जो आपके प्रश्न हैं जिससे घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बताया है।
आने वाले वीडियो में हम उन तत्वों को लेकर चलेंगे जहां एक ही प्रश्न किस तरह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि डेक्लिनेबल इनडेक्लिनेबल वर्ड्स, यानी कि विकारी और अविकारी शब्द, साथ में संधि और समास। ये जो है इनका वृहत आकार पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मैंने आपको छोटे व्याकरणिक नियमों को बताया और इस व्याकरणिक नियमों से प्रत्येक टॉपिक में से 3 से 4 प्रश्न के द्वारा आपको समझाने की मेरे द्वारा ये कोशिश रही है। आने वाले वीडियो में हिंदी भाषा FTR के जो पार्ट 2 है उसमें हम विशेष मुख्य तौर पर पूछे जाने वाले टॉपिक की चर्चा करेंगे और ऐसे ही समय का सदुपयोग करें, उबाऊपन से ना पढ़ें। प्रश्न वहाँ भी 50 से 52 हो सकते हैं जहाँ हर टॉपिक से आपको रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के FTR के साथ में जुड़े रहें। मेरे सभी बच्चों को थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।